नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भी यश उपाध्याय विजुअल फेथ कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आशा है आप अच्छे होंगे। आज आप एक अकाउंट्स के लिए एक नई टॉपिक फिर लेके आए हैं। अकाउंट्स में जो पिछले टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपके बारे में, परचेज मैंने बताया था कि परचेज क्या होता है और परचेज की एंट्री टैली पे कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स अकाउंट क्या होता है और सेल्स की एंट्री टैली पे कैसी की जाती है, सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, सेल्स कैश सेल्स क्या होता है और क्रेडिट सेल्स क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, डिफिनेशन ऑफ सेल्स अकाउंट, यानी सेल्स क्या होता है, यानी बिक्री किसे कहते हैं। ओके, आइए स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि सेल्स अकाउंट क्या होता है। तो आपके सामने एक डिफिनेशन स्क्रीन पे है। सोल्ड गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स अकाउंट, यानी जो नगद आपने माल बेचा, जो माल आपने बेचा उस बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट, यानी बिक्री बिक्री। ठीक है, इसका डिफिनेशन है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश सेल्स, यानी जब किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं जिसका पैसा मुझे तत्काल प्राप्त हो जाता है तो उसे हम कैश सेल कहते हैं। देन आफ्टर, बट व्हेन they are sold without having received payment, they are called credit sale, यानी जब किसी व्यक्ति को आप माल बेचते हैं जिसका भुगतान वो कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद आपको भुगतान करता है तो उसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। ये स्टूडेंट दो प्रकार के मतलब सेल्स होते हैं, कैश होता है, दूसरा क्रेडिट सेल्स होता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर क्रेडिट सेल, यानी उधार क्रेडिट सेल की एग्जाम्पल क्या होता है। यहाँ पे दिया, गुड्स सोल्ड टू खन्ना ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000, यानी हम खन्ना को उधार माल बेचे 15,000 का, तो उसकी हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो खन्ना एंड सन्स डी आर 15,000 टू सेल्स, ये इसकी जर्नल एंट्री है। इसका अगर आप नरेशन एंट्री पास करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू खन्ना एंड सन्स ऑन क्रेडिट, ये एक छोटा सा इसका उधार का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक और आपके सामने है, दूसरा, गुड्स सोल्ड टू अमित एंड सन्स ऑफ ₹8,000। देखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल में लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, लेकिन नीचे लिखा हुआ है ये गुड्स सोल्ड टू अमित एंड सन्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट नहीं दर्शाया हुआ है, यहाँ दर्शाया हुआ केवल क्या, पार्टी का नाम, इसलिए इसको भी उधार माना जाता है। जिसमें नगद न लिखा हो, पार्टी का नाम लिखा हो, उस बिल को भी उधार माना जाता है। तो यहाँ पे उधार की एंट्री क्या करेंगे, अमित सन्स डी आर टू सेल्स, एंट्री है, नरेशन है, बिंग गुड्स सोल्ड टू अमित एंड सन्स ऑन क्रेडिट। ओके, तो दोनों ये उधार के एग्जाम्पल हो गए। आइए नगद का एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है नगद का, एग्जाम्पल फॉर कैश सेल्स, यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ ₹5,000, यानी नगद माल बेचा, एग्जाम्पल कैश का पहला एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ ₹5,000, यानी नगद माल बेचा 5,000 का, इसकी जनरल एंट्री या कॉपी बनाएंगे, कैश अकाउंट डी आर 5,000 टू सेल्स, कैश अकाउंट डी आर 5,000 टू सेल्स का नरेशन लिखेंगे, बींग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, अगला सेक्शन देखते हैं, गुड्स दूसरा एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड फॉर चेक ऑफ ₹4,000, यानी नगद माल बेचा चेक से, तो इसका जनरल एग्जाम्पल बना हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 4,000 टू सेल्स 4,000 रुपये, ऐसे लिखेंगे, बींग गुड्स सोल्ड फॉर चेक, चेक नंबर यहाँ डाल दिया जिस चेक से आपने उसको, जिस चेक से माल, मतलब जो चेक आपको बेचने में प्राप्त हुआ है। ये चार एग्जाम्पल एंट्री समस्या एग्जाम्पल, एक नगद का, दूसरा उधार का। तो ये इसके पास ये चौथा एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व भी कर दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको सिस्टम पे एंट्री पास करते समय मदद होगा कि इसकी एंट्री सिस्टम पे कैसे पास करनी है। जैसे आपने इसका जनरल आप देख लीजिए कि भाई गुड्स सोल्ड टू खन्ना एंड सन 50,000, खन्ना सन को माल बेचा, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो आपके सामने दिख रहे हैं इसको ऑन स्क्रीन यानी टैली पे कैसे किया जाता है, इसको भी अगले वीडियो में बताते हैं कि टैली पे इसकी एंट्री कैसी पास करना है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको समझ में आया होगा कि कैश सेल सेल क्या होता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं, इसकी एंट्री टैली पे कैसे की जाती है, ये अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। आज के लिए काफी इतना, धन्यवाद। आशा है स्टूडेंट्स आज आपको समझ में आया होगा कि
इस सेल्स क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको बता दिया गया कि डिफिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है और सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। इनका एक्सरसाइज आपने देखा होगा, चारों एग्जांपल आपको बताया गया है कि भाई कैश सेल्स क्या होता है, क्रेडिट सेल्स क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे करना है। तो आज हम अगले टर्म में जानेंगे स्टूडेंट कि कैश सेल और क्रेडिट सेल की एंट्री टैली पे कैसे पास की जाती है। तो आशा है स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और ये वीडियो आप अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट ये वीडियो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए काम आ रहा है। ये अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें जानेंगे कि इसकी एंट्री टैली पे कैसे पास की जाती है। आज के लिए नमस्कार।